हुण रुक करांगे कुछ होर वड्डियां खबरां दा। नोटबंदी ते सुप्रीम फैसला आया, नोटबंदी नूं चुनौती देण वालियां सारियां पटीशनां नूं खारज कर दिता गया है। 58 पटीशनां नूं खारज कर दिता गया। नोटबंदी ते केंद्र सरकार दा फैसला सही है, सुप्रीम कोर्ट ने आख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले विच केंद्र सरकार नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। नोटबंदी दी प्रक्रिया विच कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्थिक फैसलों नूं पलटिया नहीं जा सकता। सरकार आरबीआई विचाले 6 महीने गलबात हुई है। इतने दस दईए 8 नवंबर तरीक सी जदों नोटबंदी हुई सी, ते उस समय नोट बंद कर दिए गए सी। जो 500 दे नोट सीगे, 1000 दे नोट सीगे, वह बंद कर दिए गए सी। ते आर्थिक फैसलों नूं पलटिया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। सरकार आरबीआई विचाले 6 महीने गलबात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इतने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। नोटबंदी से यह सुप्रीम फैसला आया है, क्लीन चिट केंद्र सरकार को इतने दे दी गई है। नोटबंदी को चुनौती देने वाली सारिया 58 पटीशन खारिज कर दिखाई गई ने। नोटबंदी से केंद्र सरकार का फैसला सही है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही दसिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इतने दस दईए नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। जम्मू के राजौरी के धांगरी इलाके में आईईडी ब्लास्ट होया, धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई। 5 जख्मी दसे जा रहे हैं जो हस्पताल में जेरे इलाज ने। धांगरी इलाके में 24 घंटों में यह दूजी घटना वापरी है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। इतने दस दईए धांगरी चौक में प्रदर्शन चल रहा है। राजौरी अत्तवादी हमले के खिलाफ इतने मुजहरा किया जा रहा है। बीते दिन अत्तवादियों के हमले में 4 हिंदू जो सन उन्हों का कतल कर दिया गया। धांगरी इलाके में घटना वाली थान से NIA की टीम जाएगी। इस समय का अपडेट है, धांगरी इलाके में घटना वाली थान से NIA की टीम जाएगी। इतने तस्वीर में वेख्या जा सकता है मुजहरा किया जा रहा है। 4 मृतक देहों इतने रख के, पर इसी जगह से मुजहरे दौरान उसी घर में IED ब्लास्ट होता है, तो इस दौरान मौत हुई है। अपडेट जो सामने आ रहा इतने वेख्या जा सकता है। इस समय जांच भी जा रही है धांगरी इलाके में घटना वाली थान पर। हुण NIA की टीम जाएगी तो मामले की अगे की जांच करेगी। जम्मू के राजौरी के धांगरी इलाके में IED ब्लास्ट होया, उस थान पर जिथे अतवादियों वालों हमला किया गया। धमाके में एक बच्चे की मौत हुई है, 5 जख्मी दसे जा रहे हैं जो हस्पताल में जेरे इलाज ने। जिस घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था वहीं पर IED लगी हुई थी और पूरी प्लानिंग थी कि आज वहां पर डेड बॉडी के ऊपर लोग आएंगे। यहां पर 200-300 लोगों को मारने का प्लान था। अभी ब्लास्ट हुआ और इस घर के 2 बंदे और मर गए और 3 घायल हो गए और इतना फेलियर है, हम क्या कहें। यहां आर्मी पुलिस रात के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी एक IED ब्लास्ट हुआ है जिसमें जो हमारा बचा हुआ था वो भी निकल गया। और वो देखिए घर के सामने वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और बुरे तरीके से जो बच्चे के चिथड़े उड़ गए हैं और साथ में उसके एक और है जो उसकी भी डेथ हो गई होगी और 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, उनको उठा के अभी हॉस्पिटल में ले। वो बच्चे का जो सिर था पूरा, उसका सिर जो था मेरे हाथ में रहा, बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया। रात को हम इस घर पे आए थे, यहाँ से हमने डेड बॉडी निकाली, एक डेड बॉडी निकाली। तो सुबह से रात से आर्मी और पुलिस घूम रही है, इनको पता नहीं चला। और अभी ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चे और उनकी डेथ हो चुकी है, 3 जो है वो हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हम क्या बताएं, क्या बोले भाई साहब। बहुत ही दर्दनाक हादसा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के ढांगरी गांव में हुआ है। एक तो रात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है जिनमें 10 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को यहां निशाना बनाया गया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक यह सारा घटनाक्रम है। चुन चुन कर यहाँ
दूर दराज के अंदर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक हमले के ऊपर हमला, पहले रात को हमला और अब सुबह दोबारा से यहाँ एक बड़ा हमला और धमाका हुआ है।